कंपेंसेटिंग वाइंडिंग यह एक टाइप की वाइंडिंग होती है जिसका यूज डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है जैसा कि हम लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन में देखा था कि जो आर्मेचर फ्लक्स रहता है वो मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टोर्टेड करता है और उस डिस्टोरसन के कारण डीसी मशीन का जो इफिसियसी रहता है वो कम हो जाता है तो आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए कंपेंसेटिंग सेटिंग वाइंडिंग का यूज किया जाता है तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से कंपेंसेटिंग सेटिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोल के हेल्प से डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करते हैं आफ्टर वाचिंग द वीडियो अगर आपको लगेगा कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है जो कार्बन ब्रश है वो आर्मेचर के एलोंग प्लेस्ड है और यहाँ पर अस्टेटर है जिसके ऊपर कॉपर वायर लपेटा हुआ है जब नंबर ऑफ कॉपर टर्न्स के क्रॉस करंट फ्लो करता है तो उसके कारण मेन फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है जनरली लार्ज साइज डीसी मशीन में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है और स्मॉल साइज जो मशीन रहता है उसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज करा जाता है स्टेटर के इनर पोर्शन पर पोल फेस के पास स्लोट्स बना हुआ रहता है जहाँ पर कंपेंसेटिंग वाइंडिंग प्लेस्ड रहता है और आर्मेचर करंट को कैरी करता है जब डीसी मशीन को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो आर्मेचर एंड कंपनसेटिंग वाइंडिंग एट बोथ प्लेस मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वहाँ पर दोनों फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ओपोजिट रहता है जिसके कारण कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अराउंड बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स को न्यूट्रलाइज कर देता है और जब आर्मेचर फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है तो जो वहाँ पर मेन फील्ड फ्लक्स है वो डिस्टोटेड नहीं होता है डीसी मशीन के आर्मेचर में जो करंट फ्लो करती है उसका डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन रहता है वो मैक्सवेल राइट हैंड थम रूल के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है तो इस तरह से कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के हेल्प से आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग रिड्यूस करते हैं नेक्स्ट है इंटरपोल इंटरपोल डीसी मशीन के स्टेटर फ्रेम के साथ अटैच रहता है इंटरपोल के ऊपर वाइंडिंग किया हुआ रहता है जो कि आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है यहाँ पर भी जब मशीन को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो आर्मेचर एंड इंटरपोल एट बोथ प्लेस मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है दोनों जगह बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन एक दूसरे के ओपोजिट रहता है और ऐसा होने से आर्मेचर फ्लक्स न्यूट्रलाइज हो जाता है और मेन फील्ड फ्लक्स जो कि स्टेटर में प्रोड्यूस हो रहा है वो डिस्टोटेड नहीं होता है इंटरपोल को कम्यूटेटिंग पोल भी बोला जाता है डीसी जनरेटर के केस में इंटरपोल एंड मेन पोल का जो पोलारिटी है वो सेम रहता है मतलब कि इंटर पोल का पोलारिटी अगर नॉर्थ है तो उसके बाद जो नेक्स्ट मेन पोल है उसका पोलारिटी भी नॉर्थ ही होगा जबकि मोटर के केस में इंटरपोल के नेक्स्ट मेन पोल का पोलारिटी ओपोजिट रहता है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग एंड इंटर पोल दोनों का मेन पर्पस होता है आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करना क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीसी मशीन का जो इफिशियंसी है वो रिड्यूस होता है जनरली आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए डी मशीन में इंटरपोल का यूज करते हैं क्योंकि जो कंपन वाइंडिंग होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है पिछला वीडियो में मैंने आर्मेचर रिएक्शन के बारे में एनिमेशन के थ्रू समझाया है उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप एनिमेशन के थ्रू समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें